अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैर ऐसे हैं। और देखो आज भी मौसम कितना प्यारा बना हुआ है ना, देखो बादल बने हुए, कभी भी दोबारा से बारिश हो सकती है, इतना प्यारा मौसम बना हुआ है। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ, बस कल का दिन है और उसके नेक्स्ट डे बच्चों का फिर स्कूल शुरू हो जाना है। क्या तो वो नीचे कोई आंटी आ गई थी खाना लेकर, गई थी खाना लेकर तो अम्मी को मैंने उनके साथ बैठाया। देखो यहाँ के लोग अभी तक खाना ले लेके आ रहे हैं और मैं सबको जितना भी रोक रही हूँ, लेकिन नहीं कोई सब्सक्राइबर है। नेबर्स तो खैर अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि नेबर शुरू के दिनों में आए थे, अभी जो है ना सब्सक्राइबर जो भी आसपास के जिन जिनको पता लगता जा रहा है वो सब आ रहे हैं। ऐसे तो हर जगह अच्छा होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मैं कराची में रहती थी तो पूरा कराची ऐसा था, नहीं कराची में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं वही कहती हूँ कि ये मेरे लिए गुड लक है कि यहाँ की इस्लामाबाद की ये ऐसी जगह है जहाँ के लोग अच्छे हैं। वैसे तो इससे और भी खूबसूरत और प्यारी जगहें हैं, अच्छा है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे मिल गए, इतना प्यार देने वाले हैं, पूछने वाले हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं। इसके अलावा लाइटिंग करनी है, बहुत सारे काम डिले हैं सिर्फ और सिर्फ मेरी हेल्थ की वजह से, और हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह करने से अगले दिन और अच्छे से गुजरता है। तो बस मैं अल्लाह का शुक्र जितना अच्छे से करती रहती हूँ। बहुत सारी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोग मेरे पीछे लगे रहते हैं, मुझे आपको पता है गिराने में, मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, हरती हूँ। बस बीच में ये काम होता है ना, सोशल मीडिया एक ऐसा आपका वर्क प्लेस है जहाँ पर आप मेंटली तौर पे ना डिस्टर्ब हो जाते हो, ना चाहते हुए भी जितना भी आप खुश रह पाओ, खुश रहने की कोशिश करो, यहाँ पर आप डिस्टर्ब होते हो। तो खैर इंशाल्लाह ये भी बेहतरी हो जाएगी। तो बहुत सारे काम रुके हुए हैं, बच्चों के स्कूल के शूज लेने हैं, सॉक्स लेने हैं, हेयर ब्रश सारे टूटे फूटे हैं घर पे, क्योंकि जैसे हम इस घर में आए थे सामान सारा आते ही ऐसे हमने आके रख दिया। तबीयत मेरी ऐसी हो गई कि हम कुछ भी नहीं सही से खरीद पाए, ना ही सेट कर पाए। तो अब तो प्रॉपर इनका ना मंडे से स्कूल शुरू होने वाला है, तो इनके जैसे अभी मुझे ना कोई पोनिया नहीं मिल रही बच्चों की। आपने देखा आयत की, जब से यहाँ पर आई आयत की हेयर स्टाइलिंग नहीं की, क्योंकि पोनिया रबड़ बैंड कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे आके मुझे अब ये सारे लेने हैं कि ब्लैक व्हाइट स्कूल में यूज होते हैं, पोनिया ब्लैक व्हाइट यूज होती हैं। थोड़ा तबीयत फ्रेश लग रही है तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बच्चों की ये सारी चीजें पूरी कर लेते हैं। दुआ करो हेल्थ अच्छी हो जाए ना तो हम दुनिया को जीत लेंगे। तबीयत अच्छी हुई है थोड़ी सी, तो कितनी बातें बोल रही हूँ ना, चलो अब नीचे चलते हैं। मौसम ठहरो, मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा हो रहा है, सुंदर मौसम हो रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। ये यहाँ से देखो बारिश वाला मौसम तो बना हुआ है, या तो हम निकले तभी बारिश हो गई। आप नीचे ही हो, आ जाऊं क्या? रही चलो मेरे हस्बैंड भी, अभी देखो बाहर पार्क में भी कोई नहीं गया हुआ। ये देखो पार्क भी खाली है। चलो अभी हम चलते हैं नीचे। इसको तो बिस्तर मिल गया नोबिता को, अब पूरी रात इसी में ही सोता है। आंटी आपने जो बिरयानी हमारे लिए बनाई है आपने खुद खाया भी नहीं है मुझे लगता है, अपने लिए निकाली भी नहीं, सारी घर के लिए बना के ले आई हमारे, उनके लिए छोड़ दिया बच्चे। पूरा पतीला देखें जैसे बना ना, पूरा का पूरा पतीला हमारे घर ही लेके आ गए, वापस आपके घर ड्रॉप करते हैं, बैठे हमारे साथ आज घर पे रास्ते में, रास्ते में ठीक है आप बैठे आ जाए, अम्मी मैं निकालती हूँ बैठे। चलो आंटी हमारे साथ आई थी, कुछ देर बातें बातें की अम्मी के साथ, तो उनको भी वापस घर छोड़ देते हैं, घर उनका इधर पास ही है, छोड़ दो इसको नहीं लेके जाते। चले अम्मी ठीक है, बाय बाय। आयत भी खड़ी हुई है फिर जिद कर रही है शूज नहीं पहन रही। चलो बाय बाय। आप कहाँ आ रही हो, आप क्या करने आई हो? आ जाओ। सॉरी मम्मा मुस्तफा नहीं आ रहा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। दिल नहीं भरता इसका पार्क से। घर के सामने पार्क है फिर भी दिल नहीं भरता। जराफा, अच्छा ये देखो यहाँ के घर देखो कितना हरियाली में है ना, कुछ कुछ घर ऐसे हैं जिनको प्रॉपर पूरी हरियाली में घर मिले हुए हैं। असल में ये घर ना ज्यादा बड़े हैं, जैसे हमारे घर हैं वो वाली लाइन छोटे घर की है, जैसे ये है एक एक कनाल के बैंगलो हैं, ये वाला तो दो कनाल का बैंगलो है, इनका अंदर भी गार्डन बना हुआ है। ये कितना बड़ा है और खूबसूरत भी तो लग रहा है। हेलो, यहाँ पे जैसे बड़ी बड़ी फैमिलीज है एक एक कनाल के लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा शाबाश, उसको लगता है शायद हम टॉय शॉप पर आ गए। पापा मैं थक गई हूं। अभी फुल स्लीव्स ले लेना क्योंकि आगे सर्दी आने वाली है। आप क्या चूहे की तरह लगी हुई हो, हाँ एक एक चीज उठा के यहाँ पर रख रही हो।
ये छोटा साइज हो गया, ये तैयबा का और ये आयत। चलो अब आ गई है मुस्तफ़ा की यूनिफॉर्म, ये भी दो दे दे। आप तीनों की वाइट शर्ट हो गई, गंदी भी जल्दी करोगे। तो यहाँ पे तीनों बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म हो गई और इनकी बुक्स भी तीनों की आ गई, सॉक्स भी आ गई। अभी स्टेशनरी का देखते हैं तो कितनी ज्यादा है ना, तैयबा और मुस्तफ़ा की बहुत ज्यादा, आयत की तो खैर कम है। अब हम आ गए यहाँ बाटा पे, बाटा पे 40% ऑफ चल रहा है। देखो तैयबा बैठो पहन के, प्लेन अच्छा लग रहा है वो वाला। ये थोड़ा छोटा लग रहा है, मेरा साइज आएगा। मैं पहन के चेक करूं, मेरा साइज उसे आता है। मेरा और मुस्तफा का दोनों का साइज पूरा है, वो मेरे मेरे उसके जूते ले आते। चलो अच्छा है ना, सब साथ जाओगे स्कूल। थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा है तो उसके, ये साइज सही है, ये उसको सही आएगा। मुस्तफा को और मेरा साइज जो है ना बराबर है, तो मैंने उसकी जगह पहन के चेक किए, देखो मुझे पूरे हैं। बड़ा है, बहुत बढ़िया है, इससे छोटा नहीं है। इनके वो जोगर लेने पड़ेंगे, जोगर लेने। यहाँ से सबके जूते ले लिए, आयत के शूज नहीं मिले क्योंकि आयत का साइज नहीं मिल रहा था, थोड़ा बड़ा साइज मिल रहा था, तो हम किसी मॉल में देख लेते हैं इसका साइज। अब एंड में रह गया, अब लास्ट हम सोच रहे हैं सीधा मॉल में चले जाएं। मॉल में पता है मैं अपने हस्बैंड को इसलिए बोलती हूँ, एक ही जगह पे जाओ, सब कुछ एक ही साइड एक ही जगह पे सब मिल जाता है, जैसे पोनिया ब्रश सब कुछ मिल जाएगा और इनके लंच बॉक्स भी मिल जाएंगे। वाटर बॉटल यहाँ पे जो थी जैसे स्ट्रॉ वाली होती है ना, वो नहीं मिल रही थी। पर कैप वाला ना हो क्योंकि ये स्कूल में खोल नहीं पाएगी कैप वाला, इसको स्ट्रॉ वाला ही चलेगा, तो वो बॉटल लेना है। और पिछली क्लास वाली भी इसकी बोतल है, तो मैं सोच रही हूँ एक और इसके साथ की बोतल ले लेती हूँ। चलो दो हो जाएंगी, अभी न्यू स्कूल भी है, न्यू जर्नी है इनकी, न्यू सिटी हो गया, न्यू घर हो गया, सब कुछ तो सब नया नया ही कर देते हैं। को हम इतनी प्यारी जगह पर आ गए, यहाँ तो फूड स्ट्रीट खाने पीने की जगह है। चलो हमें यहाँ पे देखी, देखो ओपीटीपी भी दिख गया, वो रहा कराची का ओपीटीपी हम यहाँ पे ले आए, यहाँ इस्लामाबाद का तो हम खाएंगे। हमने सोचा तो ये था कि हम मॉल जाएंगे, लेकिन सामने देखो हमें दूर से दिखा जुबैदा, तो हमने सोचा हम जुबैदा पे चले जाते हैं। वाह कौन सी है ये फैमिली, सॉन्ग चला हुआ। चलो ये वाला, यहाँ पे देखो बहुत बड़ी बेकरी है, तो आयत ने जिद करी पहले इसको डोनट लेना था, और मुझे ना ये वाला केक जो है ना घर पे बेक करने का बहुत शौक है। तो अभी अभी खाने पे कंट्रोल किया है, तो अभी देखो खाने वाली चीजों पे लेकर आ गए हैं, तो कुछ भी नहीं लेना फिलहाल खाने का। और जुबैदा के पास ये स्टोर था, तो हमने सोचा पहले यहाँ से भी जो भी थोड़ा बहुत खाने का लेना है वो ले लेते हैं बच्चों के लिए, फिर जुबैदा पे चलते हैं। वो पीछे पीछे वो बड़ी वाली ब्रेड उठाओ। हाँ तो ये थोड़ा हार्ड लग रही है, ये भी छोटे वाले ज्यादा फ्रेश लग रहे हैं। और इसके अलावा लेने थे पापे, अम्मी और चाचू सुबह मॉर्निंग में ना पापे बहुत शौक से लेते हैं, तो ये भी आ गया, ब्रेड भी आ गया यहाँ से, ये न्यूटेला चॉकलेट। सोच रही हूँ थोड़ा इससे बड़ा ले लूँ, लेकिन शायद नहीं है। चलो एक ये हो गया, तो ये आपके साइज के भी हैं, देखो ये छोटे वाले, ये अच्छा है। चलो यू लाइक इट, यस ऑरेंज टेस्ट में है, एक स्ट्रॉबेरी में, स्ट्रॉबेरी वाला। चलो यहाँ पे हमें ढेर सारी कलेक्शन मिल गई हेयर ब्रशेस की, तो मैंने यहाँ से ये दो निकाले, ये अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर आए थे, ये बहुत बड़ा मॉल नहीं है, हम जुबैदास पे आए थे और शू रैक में कब से ढूंढ रही थी, ये देखो हमारे सामने पड़ा है, और वो भी वुडन, इतना बड़ा है देखो। और ये है भी काफी मजबूत ना, उसमें मतलब पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था, हमारे घर के पास है, ज्यादा दूर भी नहीं है, इतना बड़ा स्टोर है, यहाँ पर हर एक चीज घर की मिलती है, और हम इतना दूर दूर जा रहे थे। देखो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, और कितना बड़ा और इतना प्यारा है ना। तो फिलहाल गाड़ी में तो इसको नहीं लेकर जा सकते, टाइम ज्यादा हो गया, बच्चों के लंच बॉक्स उधर ही रह गए, जुबैदा बंद ना हो जाए तो हम सब वहीं चलते हैं। ये क्या पड़ा है, ये लगता है ज्वेलरी बॉक्स है, और सब कुछ यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल है, और देखो ये सब कुछ हमारे घर के पास से मिल जाता है, हम इतना दूर जाते, मुझे इतना खुशी हो रही है कि ये सब कुछ हमारे घर के पास है। हरा कलर है इसका, ग्रीन कलर, ये बहुत प्यारा लग रहा है, और देखो लाइन से सारे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हाँ इस साइड पे कल देखो हम ढूंढने के लिए इतना दूर गए थे, केक का बेकिंग का सब कुछ यहाँ पर है, और ये देखो
कपकेक का कितनी प्यारी प्लेट है ये। ज्यादा मुझे खुशी हो रही है, सब कुछ मेरे घर के पास है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बेकिंग का यहाँ पर देखो, सारी लाइन से बेकिंग का इतना कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, सब इतना दूर दूर जाते रहे। हाँ, ऐसे ढूंढने से पता चलता है, चीजों का आस पर रहने से पता चलता है कि हमारे घर के पास कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। आकर ना इन चीजों को देख के दिल कर रहा है कि आपको कुछ न कुछ क्रॉकरी का खरीदना है। ये देखो किचन सेट, यहाँ पर हर एक चीज बहुत, कुछ महंगा है कुछ सस्ता है, हर किस्म का है। मतलब ये नाइफ का सेट देखो, वाह ये मग देखो कितना प्यारे है। ये देखो इतना ज्यादा प्यारा इनका डिजाइन मुझे लगा है। देखो सबका डिजाइन प्यारा है, देखो अलग अलग डिजाइन में लगे हुए हैं, लेकिन ये रेड बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे इनका डिजाइन भी बहुत प्यारा है ये व्हाइट वाला। ये देखो इतने छोटे छोटे हैं पानी के जग। वैसे ये रूम में रखने के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे पास ना घर पे जग नहीं है, जैसे कोई गेस्ट आ जाए तो। एक ये डिजाइन है, एक ये पर्पल में है, और बाकी सब पहले जैसे ही है। ऐसे मैंने लिए हुए हैं तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। हाँ ये वाले डिजाइन का था, टूट चुका है। तो अब देखो ये वाला डिजाइन बहुत प्यारा लग रहा है ना, ये वाला। अच्छा मुझे लग रहा था ये कांच का है, लेकिन ये तो प्लास्टिक है। ये देखो ये जो मग देखे थे ना पहले, ये उन्हीं के साथ का सेट है। तो बारकोड नहीं मिल रहा था जो हमने जग लिया है, तो उस पर थोड़ा लेट हो रहा है। मेरे हस्बैंड पीछे आएंगे और हम देखो निकाला है सामान सारा लेकर। गाड़ी कहाँ है, मिल गया था बारकोड? आज तो ना यहाँ पर जो मुझे लेकर आया ना, आज दिल खुश हो गया। यहाँ आकर हर एक चीज मिल गई है यहाँ। हाँ आज ऐसे ट्राई करने के लिए, वैसे जुबैदास पे जाना था ट्राई करने के लिए, अंदर आए लेकिन हर एक चीज मिल गई है। तो अभी हम आए थे जुबैदास पर, तो यहाँ पर देखो कितना 10% यहाँ पर ऑफ भी है, और यहाँ पर लंच बॉक्स का वही साइज है जो आयत के पास पहले भी है, और वाटर बॉटल यही है। इतनी ज्यादा कलेक्शन नहीं है, देखो सेम ऐसा आयत के पास है। ये कोको मेलन का उसका दूसरा है, इनसे थोड़ा बड़े साइज का चाहिए था और है नहीं, बस एक ही साइज के सारे। तो आज इनके लंच बॉक्स इधर ही अधूरे रह गए, यहाँ से भी नहीं मिले। चलो यहाँ से चलते हैं, आ जाओ आयत। तो देखो रात में हमारा सिटी कितना ज्यादा प्यारा लगता है ना, कितना चमकदार लग रहा है ना, इतना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ का व्यू सच में बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ का सब कुछ बताने में इतना अच्छा लगता है कि अब मेरा सिटी है, ये हमारा सिटी है। मैंने देखो यहाँ पे कितना अच्छा सब कुछ मिल रहा है, और मैंने कुछ ज्यादा नहीं खरीदा इस वजह से क्योंकि अब बच्चों की पढ़ाई जो है एक्सपेंसिव हो गई है। पहले इतनी पढ़ाई एक्सपेंसिव नहीं थी, तो अब मैं इन सारी चीजों को थोड़ा अब क्या कहते हैं अवॉइड कर रही हूँ। देख के चलना पड़ेगा आगे, क्योंकि अभी इनकी बुक्स ली है, बुक्स इनकी बहुत महंगी मिली। पहले इनकी लेते थे उससे दो गुना, डबल ट्रिपल दो तीन गुना महंगी मिली है। तो यूनिफॉर्म इतनी ज्यादा महंगी इनकी मिली है, तो मतलब अब हमारा ये सब बढ़ गया है। तो इस वजह से जैसे मैं वो प्यारे प्यारे बर्तन देख के दिल करता था, ये प्यारे बर्तन है ये उठा लिया, ये प्यारे कप है ये उठा लिया। इन सारी चीजों को कंट्रोल करना है अपने घर में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो एक वो होता है ना कि जब दिल किया कभी भी खरीद सकते हैं, चीजें हैं महंगी लो कभी टूट जाते हैं कभी क्या, तो आपको गुजारा करना है। बच्चे अच्छा पढ़ना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, ये चीजें आनी जानी होती हैं, लेकिन बच्चों की जो एजुकेशन होती है वो आनी जानी नहीं होती, वो हमेशा रहती है, तो उन पे फोकस करना चाहिए। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा से ऐसे बर्तन कुछ भी मैं नहीं ले रही, वरना मैंने ऐसा सोचा था कि हम नए घर में जा रहे हैं तो मैं ये खरीदूंगी वो खरीदूंगी, जो जरूरत का है वो तो जाहिर सी बात है मैं खरीदूंगी। मैंने देखा कि मैं लंच बॉक्स के लिए निकली थी, लंच बॉक्स की क्वालिटी मुझे कहीं पर भी अच्छी नहीं मिली। पिछले साल वाले बच्चों के पड़े हैं ना, वो मैं यूज कर लूंगी। अगर कुछ अच्छे थे जैसे जुबैदास पे अच्छे थे, तो वो बहुत छोटे साइज के थे। अब मुस्तफा के लिए तो मैं वो नहीं ले सकती, किसी से पूछना पड़ेगा कि कहाँ पे अच्छी क्वालिटी के लंच बॉक्स मिलेंगे। और मुझे बीच में स्टील का मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होता है प्लास्टिक से। लेकिन हाँ अभी मैंने ना थोड़ा कंजूसी करनी है, थोड़ा अपना जो है ना बचाना है अपने पैसों के अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, ताकि ये तीनों एक ही जगह पर अच्छे स्कूल में पढ़ें। क्योंकि ओ लेवल आप सबको पता है, पहले मैं ओ लेवल इनको नहीं करा रही थी, तो ओ लेवल पढ़ाई जो है ना इनकी
है महंगी भी है, इनकी स्टडी महंगी है, अभी ट्यूशन जो रखूंगी जाहिर सी बात है वो भी महंगा ही होगा, तो वजह से अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो ओपीटीपी को देख के दिल कर रहा था कि थोड़े से फ्राइज खा लें। देखो सामने मैकडोनल्ड हो गया और इसके सामने हमारे सामने ओपीटीपी, और ये रहा पिज्जा मैक्स जो कराची में खाते थे। पता नहीं यहाँ का टेस्ट सेम ही होगा, वैसे तो सेम होता है हर जगह जैसा इनका। और उसके आगे वो देखो टैक्सा, ये भी वहाँ कराची में हमारे घर के पास ही था, अभी घर के पास पास ही सब मिल गए, मुझे लगा दूर दूर जाना पड़ेगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ कि हर एक चीज देखो हमारे घर के पास मिल रही है, यहाँ के लोग इतना अच्छे मिल रहे हैं, यहाँ के आसपास चीजें अभी समझ आना शुरू हो गई हैं। स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड जैसे अपनी वाइफ के पास जाते हैं गांव, तो मुझे पीछे ये मसला नहीं होगा, स्कूल पास है, ज्यादा दूर नहीं है, मैं भी छोड़ने के लिए जा सकती हूँ, तो ये सारी प्रॉब्लम मेरी बहुत ज्यादा सॉल्व हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा। थैंक यू। इतने सारे होटल है ना, मुझे कहीं के खाने कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ मुझे ये फ्राइज अच्छे लगते हैं। कैसे पे गए थे? नहीं आप लोगों का इंतजार। मम्मी फोन करूँ तो फिर तो काम में होगी। इनकी यूनिफॉर्म, बुक्स, इनके शूज सब लेते लेते वो टाइम लग गया। चाचू कैसे हैं? सब ठीक है। हाँ अम्मी, इनकी यूनिफॉर्म बुक्स अम्मी इतनी महंगी मिली हैं, जैसे स्कूल महंगे बुक्स भी बहुत महंगी मिली हैं। के पापा ने डिजाइन पसंद थी, इसके लिए पापा थोड़ा बड़ा लेते। अच्छा स्कूल शूज तो देखो वो मैंने पहन के चेक किया, अभी देख ले लो बेटा भी देख लिया है। ये भी एक नंबर बड़ी से साजी। पाँव बढ़ेगा ना? हाँ, ये एक दो महीने पहले हमने एक साथ लिए थे जूते, इसका पाँव बड़ा हो रहा है। जब कश्मीर जा रहे थे तब मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, टाइम ऐसे ऐसे जा रहा है। अम्मी मैं कहती हूँ बच्चे जल्दी बड़े ना हो। मेरी वाली तैयबा से दो गुना ज्यादा भाग रहे हैं। अभी ये दिमाग में बिठा लो, अभी आपकी ओ लेवल की पढ़ाई है। जैसे बॉक्स भारी है ना, ऐसे पढ़ाई भी भारी है। ओ माय गॉड, तो बहुत ज्यादा है। बना के आई है देखो, अम्मी खुद सारे डिजाइन बनाया इसने। तो यहाँ पे मैं देख रही थी तैयबा की बुक्स देख रही थी, देखो ये सारी स्टोरी बुक है इंग्लिश की, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तैयबा मामा भी आपके साथ रीडिंग करेगी। जैसे इम्तियाज स्टोर नहीं है वहाँ कराची में बड़ा, ऐसे ये भी बहुत बड़ा नजदीक है अम्मी। हाँ, हर एक चीज मिलती है, पैदल तो वहाँ नहीं जा सकते, जा तो गाड़ी पे से। और हाँ बेकरी के भी सारी चीजें लेकर आए हैं, तो चलो इनको सबको निकाल के रखते हैं किचन में। और अम्मी को जग तो दिखाऊं, छोटा सा जग लेकर आई हूँ, सही है ना? सही है। से एक आधा मेहमान यहाँ पर सोफे पे आके बैठता है तो इतना बड़ा जग रखना पड़ता है। पापे चाचू को भी पापे बहुत पसंद है, तो पापे लेकर आई हूँ चाय के लिए। ये चाचू मैंने काम इसलिए लिया, मैंने कहा पहले खाएंगे टेस्ट करें कि जायका इनका कैसा है, अच्छा होगा तो फिर लेंगे, क्योंकि ये पहली बार ले रहे थे ना यहाँ से। और ये हो गए हेयर ब्रश। और हाँ एक चीज दिखाऊं, ये मैंने लिए इनके लंच बॉक्स के लिए, ये आयत का छोटा सा टीथ ब्रश रखते हैं। अम्मा को दिखाओ लेके आ जाती बच्ची है ना, अम्मी आयत लेकर आ गई भाग के उस टाइम पे। ऐसे क्या बनेगा इसमें, अम्मी एक अंडा बन सकता है इसमें, वो जो दूसरा ऑमलेट बना के ना ब्रेड पे रखने के लिए, और पक जाएगा। हाँ ये अम्मी आपको चिढ़ाने के लिए आता है ऐसे। रखियो टिश्यू रूम में रख रखेंगे फिर। और ये लिए है मैंने बच्चों के स्कूल जाने के लिए लोशन, जैसे हाँ ये आपके पापा की चीजें। और बच्चों के स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह की ये तैयारी है मॉर्निंग की, स्कूल के लिए पाउडर, स्कूल के लिए लोशन, और ये तैयबा का टीथ ब्रश। देखे पता नहीं चला हम ये वाली उठा के ले, सही है ये ब्लैक है ना? हाँ सैमसोल की, सही है अम्मी। ये अमीन की क्रीम लिए, जैसे सुबह स्कूल जाएंगे ना तो लगा के जाएंगे स्कूल के लिए। ये भी ले लिया, फिर ये भी ले लिया, अम्मा देखें कितना यूजलेस पैसे, ये ऐसे करते हैं, मैं इसके साथ इसी ले नहीं जाती। अम्मी पाउडर लिए, खुशबू लगा के जाएंगे। हाँ अम्मी यूनिफॉर्म तो देखे, एक अम्मी दोनों की एक जैसी। हाँ ये आयत की है और एक इससे बड़ी फिर तैयबा की। अच्छा है कलर, कलर से ज्यादा अच्छी है। ये टाई भी है अम्मी ऊपर से, तैयबा की आयत की भी है, तीनों ये टाई भी ऊपर लगा के जाएंगे। ये शर्ट है व्हाइट शर्ट, ऊपर टाई, ये लगा के जाएंगे।
मुस्तफा ऐसे कौन ट्राई करता है? तीनों जब पहनेंगे ना माशाल्लाह बहुत प्यारी लगेगी। चमत्कार हो गया, पहली बार आप लोगों ने सही सही यूज लिया है मेरा। अच्छा है ना। चलो अभी निकाल के रखो फिर। होगी ना। हाँ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और अम्मा का ख्याल रखेगा। सबसे ज्यादा हाँ अम्मा अपनी अम्मी का रखेगा। मेरा भी और अम्मा का कर रही है पापा अपने बड़ों का चाचू का बड़ों का सबका रिस्पेक्ट करना है सबका ख्याल रखना है। रखना है ना अदब करता है। हाँ जब मैं जाते हैं ना हाँ मैं वहाँ भी कहता था हाँ मैं जुम्मा से निकलता हूँ पहले मेरा जूता उठा के ले आता अभी तो हाँ जूता ये तो मैं हमेशा इसको माशाल्लाह मुस्तफा मम्मी प्यारी नहीं लग रही पूरी पूरी है माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही। मुझे टाई बिल्कुल भी नहीं बांधनी आती इनके पापा को आती है। आपके पापा को भी लगता है भूल गई है पहले बांधते थे अपने जमाने में। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके बच्चों के न्यू स्कूल को लेके। तो ये रह गया अभी सब कुछ रख दिए और आज हमने हरी तूरी का सालन बनाया था। इसके अलावा आंटी जो है ना हमारे घर पे रास्ते में जिनको हम छोड़ते हुए गए थे तो वो हमें जो है ना ये घर से बिरयानी बना के इतना बड़ा पतीला देके गई थी। और इसके अलावा देखो मुझे आपको ये दिखाना था तो ये पूरा एक बॉक्स मिल रहा था पूरा पूरा ये ऐसे मैंने पैकेट ले लिए। इनमें ऐसे देखो छोटे छोटे से ऐसे बॉक्स है मिनी से इनमें मैं इनको ड्राई फ्रूट दे सकती हूँ या फिर फ्रूट कट करके दे सकती हूँ इनको लंच बॉक्स में डाल के ये दे सकते हैं। बड़ा ऐसे लगते है लस्सी का ग्लास जैसे आगे पानी का ग्लास लेते हैं। और अभी जो है ना हम जा रहे हैं वॉक पे ऊपर गई थी मैं पहले रेस्ट करके आ गई हूँ। चलें अम्मी ये किचन का डोर बंद करो मुस्तफा जल्दी से। अम्मी हाँ आज इसकी चप्पल लेकर आई हूँ दिखाना भूल गई हूँ। आज आयत की लाइफ की सबसे पहली चप्पल ठहरो गई लाइफ की आयत की पहली चप्पल ये भूल गई ये देखो। हाँ आ जाएगी ये देखो आयत आपकी चप्पल अम्मी ये देखे अम्मी इसकी चप्पल तो देखे इतनी प्यारी है। मैंने कहा अम्मी बाहर पार्क जाती है ना जल्दी जल्दी पहन लेगी। पहनो चलो आप देखो चप्पल कितनी अच्छी लग रही है। पानी की बोतल उठा ली अब सब आ जाओ। चलो अभी हम पहुंच गए यहाँ पे मैं वॉक करती हूँ थोड़ी देर के लिए देखो चमकदार घर के पास। और हमारे काम ही खत्म नहीं होते हम सोचते ही रहेंगे कि कब सजाएंगे। चलो अब मैं और मेरे हस्बैंड लगाएंगे रेस डेली ना 15 मिनट के लिए मैं वॉक करती हूँ 15 मिनट मुसलसल करना और उसमें एक मिनट भी नहीं रुकना 15 मिनट। मैं तो 20-25 मिनट वाला व्लॉग करता हूँ तब अपनी रेस कम बिल्कुल जी ये सबसे कम टाइम करते हैं। आप 10 मिनट वाला व्लॉग देखते नहीं कल मैंने ज्यादा किया था पता है आपको। चलो अभी कर चलो इन्होंने तो अपनी स्पीड पकड़ ली अब हम भी पकड़ते हैं। ऐसा तो घर सजा दो कम से कम इतनी लाइट्स तो लगा दो रोज ऐसे ही कहते हो पता नहीं कब सजा दोगे।